कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने चरखी दादरी में कोविड केंद्र का दौरा कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र में सभी सुविधाएं अपडेट रखने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की फुल मात्रा में उपलब्धता है, एम्बुलेंस सुविधा, कोविड जांच टीम गांव गांव जाकर हर एक ग्रामीण की जांच करेगी ताकि कोरोना को हराया जा सके। रिकवरी रेट भी अच्छा है और बेड भी उपलब्ध हैं। अब मैंने अधिकारियों को बोला है कि जो गांव-गांव में जाकर टीम बनाएं, रैपिड टेस्ट कराएं ताकि तुरंत पेशेंट को पता चल जाए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। और गांव के अंदर जो जागरूकता लेके आए कि जिस भी कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल 90 के आसपास ऐसे नीचे आता है तो तुरंत उसको अप्लाई करें। हमने देखा है कि गांव से जब ऑक्सीजन बिल्कुल डिप कर जाता है, 60-70 हो जाता है, तब भागते हैं और फिर वेंटिलेटर मांगते हैं। तो सारे मैंने कहा है कि सब हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारी साहब गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करें। और जो होम आइसोलेशन किट हमने तैयार कर दी है, एम्बुलेंस भी तैयार कर दी है, बसों में एम्बुलेंस भी हमने बढ़ा दी है, पुलिस की भी हमने PCR की बहुत सारी गाड़ियाँ दे दी हैं। सरकार ने बहुत साधन उपलब्ध कराए हैं। दादरी जिले के अंदर ऑक्सीजन का भंडार पूरा है, कोई कमी नहीं है। घर पे भी होम आइसोलेशन के लिए ऑक्सीजन हम उपलब्ध करवा रहे हैं, रेमडेसिविर के इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर यहाँ चालू हैं। एकाध डॉक्टर की कमी है और एक समस्या हमारे पास है जो सिलेंडर की, वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे। प्रदेश सरकार से उसकी बजाय हमने यहाँ कंसनट्रेटर दिए हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और मुझे आशा है कि दादरी जिला जो है जल्दी से जल्दी रिकवर होंगे। पहले 2-3 जिले उनमें से एक होगा। हमारा जो यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के डॉक्टर जो है दिन रात मेहनत करके सेवा कर रहे हैं। दूसरा, मैंने DC साहब को बोल दिया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल कि जो भी पेशेंट वहाँ से रिलीज होगा उसकी कॉपी एक अधिकारी नोडल अफसर लगा दें, उसकी कॉपी व्हाट्सएप करें ताकि इस महामारी के वक्त कोई गलत और चार्जिंग ना। बड़ी खबर की बात करेंगे। सिरसा में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ गया है। ब्लैक फंगस के 7 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। 4 मरीज सिरसा और 3 फतेहाबाद के रहने वाले हैं। सभी मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रही है, ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। 4 मरीज सिरसा और 3 फतेहाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है ब्लैक फंगस को लेकर, सिरसा में ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा है। ब्लैक फंगस के 7 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। 4 मरीज सिरसा और 3 फतेहाबाद में सामने आए हैं। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।